कर्म लोक में हैं हम लोग। नारद जी देखते फिर रहे सबको, कोई सुखी नहीं मिला यहां पे महाराज। सब कर्म करने पर भी सब दुखी थे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। सब दुखी महाराज, सब कर्म करने पर भी दुखी। नारद जी ने सोचा अब क्या करें, तो नारद जी चलते चलते वृंदावन से निकल रहे थे। जैसे ही वृंदावन में पहुंचे, देखा भक्ति बैठी बैठी रो रही है। नारद जी को समझ में आ गया यही कारण है दुनिया के दुख का, भक्ति रो रही है। क्यों रो रही थी? क्योंकि ज्ञान और वैराग्य वहां पर पड़े पड़े सो रहे हैं, सो ही नहीं रहे हैं, बूढ़े हो गए हैं, जर्जर हो गए हैं, उनके बाल वाल सब सफेद होके बिल्कुल जर्जर शरीर हो गया है महाराज। ऐसी दशा में ज्ञान और वैराग्य पड़े उनको देख करके भक्ति रो रही है। इसका मतलब यह है हम लोग भक्ति करते हैं, सभी लोग भक्ति करते हैं, पर अगर हमारे ज्ञान और वैराग्य ठीक नहीं है तो भक्ति सुखी नहीं रहती महाराज। इसलिए ज्ञान और वैराग्य को भी स्वस्थ रखना जरूरी है भक्ति को सुखी रखने के लिए। और ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ रखने का मतलब है ज्ञान सक्रिय होना चाहिए, वैराग्य सक्रिय होना चाहिए। कहने के लिए ज्ञानी ज्ञान की बात हम आप सभी कह लेते हैं, वैराग्य के ऊपर व्याख्यान देना आसान है, पर वैराग्य को धारण करना, ज्ञान को जीवन में जीना ये कठिन है महाराज। जो ज्ञान को जीने लगता है, जो वैराग्य को धारण कर लेता है, उसकी भक्ति प्रसन्न रहती है महाराज, उसकी भक्ति मजबूत रहती है।